नमस्ते गाइस, मैं हूं अरविंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा इस वीडियो के, कि ये वीडियो है हमारा ट्रैवल टू नॉर्वे लॉकडाउन के टाइम। तो ये वीडियो हमने दो मेन रीज़न से बनाया है। सबसे पहला रीज़न तो ये है क्योंकि हमें ये पता लगा है कि बहुत से इंडियंस हैं जो स्ट्रैंडेड है अभी भी और जो नॉर्वे वापस जाना चाहते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में पूरा हमारा जो ट्रैवल है हमने कैसे किया, कैसे आपको पासेज ले सकते हैं, कैसे आप ट्रैवल करेंगे, क्या क्या आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये सब दिखाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस रिस्की टाइम में हम लोग क्यों ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्वे में। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि लॉकडाउन में खाली सड़कें कैसे लगती हैं दिल्ली की, दिल्ली का ब्लू आसमान, और हम कैसे पहुँचे नॉर्वे, देखिए इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप था KLM की रिपेट्रिएशन फ्लाइट बुक करना। आप देख सकते हैं कि फ़्लाइट बुक हो चुकी है और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इकोनॉमी कंफर्ट सीट्स बिकॉज वी हैव एवा विद अस। और ये फाइनल पैकिंग, और अब हुई हमारी जर्नी स्टार्ट शिमला से दिल्ली। ये देखिए शिमला से चंडीगढ़ का हाईवे बिल्कुल खाली, कोई भी कार नहीं है हाईवे पे। और ये जो है, ये था हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला को छोड़ने पे था। यहाँ पे हमें अपना पास दिखाना था, अपना गाड़ी की एंट्री करवानी थी और जितने भी पैसेंजर्स थे उन सबके इंफॉर्मेशन देनी थी। अब देखते हैं कार के अंदर एवा और शैलजा क्या कर रहे हैं। हेलो, How's it going? I was sleeping. Okay. हम कहाँ पहुँचे अभी? अभी हमने शिमला से स्टार्ट ही करी है अपनी जर्नी। Okay. Long way to go. और ऑन द वे टू दिल्ली हमें देखने को मिला एक विचित्र नज़ारा जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए इस मंकी ने कैसे पकड़ रखा है एक डॉगी को। ये हम करने जा रहे हैं हरियाणा में एंटर, और यहाँ पे भी सड़कें हैं बिल्कुल खाली दोस्तों। तो ये देखिए, टोल पे हमने कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए टिश्यू का इस्तेमाल किया, सो दैट देयर इज वेरी लेस स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। यूजुअली जब हम शिमला से दिल्ली ट्रैवल करते हैं तो हम हवेली में खाते हैं यहाँ पे, पर हवेली तो अभी बंद है, तो यहाँ पे घर की हवेली। हेलो, बट खाने के लिए चाय भी हमारे पास। वी हैव चाय, वी हैव प्लेट्स आल्सो। प्लेट्स भी, एंड आहू इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। ये लो ब्लेड। क्या खा जा रहा है? परांठे। सो वन सजेशन गाइस, इफ यू आर कमिंग टू ब्रिंग ऑन ब्रेकफास्ट और लंच हम लेके चले थे, और हमारे पास चाय भी है जो हमारी मम्मी ने बनाया। दोस्तों, ये जो लाइन आप देख सकते हैं ये है KLM की रिपेट्रिएशन फ़्लाइट के लिए। ये बहुत ही लंबी लाइन है क्योंकि जितने भी जो ट्रैवलर्स हैं वो जो कनाडा US भी जा रहे हैं वो भी इस फ्लाइट में हैं। और साथ ही साथ मैं आपको अब दिखाऊंगा कि यहाँ पे कुछ कियोस्क्स हैं जो खुले हैं, जहाँ पे आप कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या कॉफ़ी एक्सेट्रा आप पी सकते हैं। और जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपका जितना भी चेक इन का लगेज है या फिर कैबिन लगेज है, वो सब आपको इस UV रेडिएशन के थ्रू इस कैबिन में डालना पड़ता है, और ये है एक सैनिटाइजिंग मेजर। तो ये हो गया, और जब ये हो जाता है उसके बाद जो होता है, एयरपोर्ट के बाहर ही आपसे आपके पासपोर्ट ले जाते हैं और आपका नाम जो है देखा जाता है। और जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं आपकी होती है स्क्रीनिंग, आपको दो फॉर्म्स भरने होते हैं और वो फॉर्म्स आपको KLM की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। एंड फाइनली आफ्टर दैट आप बोर्डिंग के लिए जाते हैं, आपको बोर्डिंग पासेस मिलते हैं और आपका जितना भी सामान है आप
जितना भी जो कैबिन पैकेज है वो आप बोर्डिंग पे ही दे देते हैं। और फाइनली आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर, दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर जितनी भी शॉप्स हैं, मोस्ट ऑफ द शॉप्स जो ड्यूटी फ्री हैं वो सब क्लोज्ड है। और ये देखिए हवा इंजॉय करती हुई। और ये फाइनली हम चल पड़े हैं अपनी फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए। ये आप देख सकते हैं फूड के पैकेट, जिसमें जनरली बहुत सारा जंक फूड था, बट हम जनरली अपना फूड भी लाए थे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना थोड़ा सा फूड कैरी कर सकते हैं, एंड इट इज़ अलाउड टू कैरी द फूड। हमारे पास जो था कनेक्शन फ्लाइट के लिए सिर्फ 90 मिनट्स था, इसलिए हम एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे अभी, और वी आर प्लानिंग टू टेक आवर नेक्स्ट फ्लाइट टू ओस्लो। अब जो आपको लाइन दिखेगी ये है एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन की लाइन। ये बहुत ही लंबी लाइन थी, बट अगर आपकी फ्लाइट जो थी, कनेक्शन फ्लाइट जो थी, वो जल्दी उड़ने वाली थी, तो आपको प्रायोरिटी दी जा रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यू ड्यूटी फ्री शॉप्स आर आल्सो ओपन इन एम्स्टर्डम। और फाइनली अब हम चल पड़े हैं एम्स्टर्डम से ओस्लो की तरफ। सो देखिए नज़ारे। और ये फाइनली अब हम ओस्लो एयरपोर्ट पर अपना लगेज कलेक्ट करते हुए, यहाँ पे जो थी शॉप्स और ओपन, किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। सो लाइफ व्हाट वी फाउंड वाज प्रीटी नॉर्मल। और आप देख सकते हैं सफाई भी हो रही है। दोस्तों ये तो थी हमारी जर्नी। अब जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है, जो एक कमर्शियल सेक्टर है, वो अभी ओपन नहीं हुआ है। जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि 30 जून तक ऑल द फ्लाइट्स आर क्लोज्ड। तो कई लोग ये सोचते हैं कि भैया इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो चल नहीं रही, तो ये कौन सी फ्लाइट में है? तो इन्हें बोलते हैं रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स। तो रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स जो KLM की थी वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, और आज की डेट में जहाँ तक मुझे मालूम है एयर इंडिया और साथ ही साथ लुफ्तांसा की भी है। तो हम लोगों ने KLM से ट्रैवल किया था, और जैसे कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ी होगी, जो कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब हमने ट्रैवल किया था 5th मई को शिमला से दिल्ली, सो वी वर नॉट अलाउड टू बोर्ड दिस फ्लाइट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और देखिए सबसे पहले तो क्या जानना है इन KLM फ्लाइट्स के बारे में, खासकर कि आप बुकिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप आज की डेट में KLM की वेबसाइट पर जाइए और दिल्ली टू ओस्लो अगर आप सर्च में डालेंगे, तो कोई फ्लाइट नहीं है, वो जुलाई से दिखाता है। तो जनरली ये जो रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स है ये कब कब चलती है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये हर संडे की सुबह 2:55 AM और हर ट्यूसडे की सुबह 2:55 AM KLM की फ्लाइट्स है दिल्ली से, और इसके अलावा एयर फ्रांस की भी है। बट सिंस एग्जांपल के तौर पे हम क्या करेंगे कि देखिए, अगर सपोज हम लोगों ने जैसे 7th of June को ट्रैवल किया है, तो ये जो फ्लाइट्स की बुकिंग है दे विल ओपन 1st of June। तो आप लोगों को क्या करना है, 1st of June एक हफ्ते पहले यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग दिल्ली टू ओस्लो, और साथ ही वन वे आपने जो है सिलेक्ट करना है, रिटर्न नहीं सिलेक्ट करना है, राइट? तो एक हफ्ते पहले, संडे से एक हफ्ते पहले, दैट इज प्रीवियस संडे को आप क्या करेंगे, आप देखिए और कंटिन्यूसली हैव टू सर्च, क्योंकि जैसे ही
ये जो हमारी फ़्लाइट है इनकी अप्रूवल्स मिलती है KLM को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, उसके बाद ही इन फ़्लाइट्स की बुकिंग स्टार्ट होती है। बट मेरे सोर्सेज के हिसाब से जो है ये फ़्लाइट्स 2 से 2.5 घंटे में ही बुक हो जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव जब आप इन्हें बुक कर रहे हैं। तो ये तो होगी कि कैसे बुक करेंगे रिपेटिशन फ्लाइट्स, राइट। उसके बाद जब आपने बुक कर ली तो फिर क्या होता है, जनरली हमें शिमला से दिल्ली आने के लिए चाहिए था पास, जो कि DC के पास अथॉरिटी होती है। तो हमने शिमला से दिल्ली का एक पास बनाया और टैक्सी के थ्रू हम आए, राइट। और हम लोग भी उस टाइम जो थे व्हेन वी वर कमिंग, एक्चुअली 2-3 दिन पहले क्या हुआ था कि एक न्यूज़ आई थी कि दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर है इट इज़ क्लोज्ड। तो हम लोगों को थोड़ी सी ये जो थी एक एंग्जाइटी से हुई। बट इसके जो बेस्ट सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का, वो आप न्यूज़ को ज़्यादा फॉलो मत कीजिए, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन कीजिए और उनसे पूछिए, क्योंकि उनकी टैक्सी जो है वो जनरली हर दिन दिल्ली एयरपोर्ट किसी ना किसी को छोड़ रही होती है। तो हमने भी क्या किया कि हमने एक टैक्सी ड्राइवर जो थे हमारे उनसे बात करी और उन्होंने बताया कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन फ्लाइट्स को क्या सभी बोर्ड कर सकते हैं, क्या स्टूडेंट्स बोर्ड कर सकते हैं, या जिनके पास डी वीज़ा है, एंट्री वीज़ा है, वो बोर्ड कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आप इस पेज पे आप इस टाइम देख सकते हैं, ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की वेबसाइट। आप इस पे जाइए और यहाँ पे आपको एक जो है एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिस पे कि सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन कौन इसे बोर्ड कर सकता है, राइट। आई वुड लाइक यू टू गो टू दिस वेबसाइट एंड चेक इट फॉर योरसेल्फ। बट जनरली एक शॉर्ट चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि अगर तो आप हो, फॉर इंस्टेंस मैं नॉर्वे का एग्जांपल लेता हूँ, आप यूरोपियन सिटीजन हो, नॉर्वे के सिटीजन हो, तो आप डेफिनेटली बोर्ड कर सकते हो। अगर आपके पास PR है नॉर्वे की तो आप डेफिनेटली बोर्ड कर सकते हो, या फिर आपके पास ऐसा परमिट है जिसकी वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा है तब भी आप इसे बोर्ड कर सकते हो, राइट। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा कि कौन कौन बोर्ड कर सकता है, बट आप खुद इस डॉक्यूमेंट को देखिए। एंड देन माय सेकंड एडवाइस वुड बी दैट कि आप KLM के कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए और उनसे हो सके तो रिटर्न में लीजिए कि यस यू आर अलाउड। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। और अगर आप जानते हैं किसी को भी जो इस समय इंडिया में स्ट्रैंडेड हैं एंड ही और शी वॉन्ट्स टू ट्रेवल आउट, सो प्लीज़ ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, एयरपोर्ट से वापस आना बहुत ही दुखद होता है। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग जो कि हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। एंड एज ऑलवेज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हमने 5,000 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है सब्सक्राइबर्स का, सो थैंक्स टू यू, थैंक्स अ लॉट।